सैनी जी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि इंडिया का हरास होगा, स्टेशन से गाड़ी आगे जाने का जब डिरेल हो जाती है तो अगला स्टेशन नहीं पहुंचती है। साथ जीतन राम मांझी जी हैं, थोड़ा हटिए बाइट ले लेना। क्या हुआ? संता को कह दिया है विकास अगर करना है तो बेबी दी जी को वोट देना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार है भी रहेगी, इसलिए अगर वोट दूसरे को देंगे तो यहाँ विकास नहीं होगा। इसलिए विकास अगर बोझा की जनता चाहती है तो बेबी देवी जी को 3 नंबर EVM में 12 तारीख को वोट दे। नीरा बोचहा में बड़ा मुद्दा बन गया है, सरकार नीरा बेच रही है, इधर पकड़ रही है, वो सब टेम्पररी चीज है, सब सुधार होगा। देखे किस स्थिति में तीसरा बार संशोधन किया गया, हाँ तीसरा संशोधन हो गया ना जी, चौथो भी होगा, देखिए ना। सर जिस तरीके से, सर जिस तरीके से लगातार मुकेश सहनी जी विरोध कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, इंडिया का हरास होगा? देखिए स्टेशन से गाड़ी आगे जाने का जब डिरेल हो जाती है तो अगला स्टेशन नहीं पहुंचती है। मुकेश सहनी जी ड्रिल हो गए हैं, बड़ा आप पे भरोसा जता रहे हैं, आप पर बड़ा भरोसा जता रहे हैं, अभी भी भरोसा में है? वो तभी होगा जब साथ में रहेंगे, NDA के साथ में रहेंगे। मुकेश सहनी जी जब साथ में रहेंगे तभी जीतन राम मांझी जी उनका समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल मुकेश सहनी को लेकर के अभी भी बोचहा की राजनीति में उथल पुथल है, क्योंकि मुकेश सहनी का माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सहनी समाज का यहां पर जनाधार है उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। सहनी समाज जिसके समर्थन में, जिसके पल्ले में ज्यादा जाएगा उसी की सरकार बना पाएगा। और सवाल सबसे ज्यादा यह है कि अगर NDA गठबंधन आपस में ही लड़ेंगे, ये सवाल इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी पहले NDA गठबंधन दल के हिस्से में थे, अभी फिलहाल जो है विरोध करके वो अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन अगर दो दल आपस में लड़ेंगे तो तीसरे दल मजा मार ही ले जाएंगे। और इस सवाल को लेकर के हर किसी के मन में अब दुविधा की शंका उत्पन्न हो गई है। यह दुविधा की जो शंका है वो 11 तारीख की रात को खत्म होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। क्या होगा ऐसा 11 तारीख की रात को? ना प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो ना प्रचार प्रसार होगा और ना ही कुछ उस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिर भी 11 तारीख की रात को क्यों? क्योंकि वही जनता जो हमारे साथ पब्लिक ओपिनियन में यह कहती आई है कि आखिरी दौर में हम सोचेंगे, आखिरी दौर में, रात से बढ़िया कोई आखिरी दौर आता भी नहीं है। और वो रात किसके लिए हसीन और किसके लिए मुकम्मल रात होगी ये 16 तारीख को पता चलेगा, यानी 16 अप्रैल 2022 को। आगे के पूरे खेल के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी नीतीश कुमार यहां से संबोधन करके वापस लौटे हैं, और नीतीश कुमार को लेकर के अब जो संशय बना हुआ है उसको लेकर के अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार एक तरफ नीरा यानी ताड़ी और दूसरी तरफ शराबबंदी, दोहरी नीति में सरकार खुद फंस जाएगी या फिर RJD निकल जाएगी, क्या होगा बताएंगे आगे। रहिए हमारे साथ, नमस्कार।